घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, गमकेगा घर आंगन, महकेगा फिर गुलशन, नन्हा चिराग जल के रोशन करेगा घर को। तो अपने दुश्मनों के दिल की काली स्याही कानून को नहीं दिखा सकते। छोटे मियाँ के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुल्हन ढूंढ लिए? कौन है वो? अब उस इज्जत को संभालने की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों के ऊपर है। खुदा जाने पेट भर के इसने कभी खाना भी खाया होगा या नहीं। ये सब तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी पाकीज़गी और तुम्हारी खूबसूरती, तुम तो इससे कहीं ज्यादा के भी हकदार और मुस्तहक। जिन लड़कियों का मोहब्बत में अंजाम बुरा होता है, उन लड़कियों को अशफाक जैसा चाहने वाला और प्यार करने वाला लड़का नहीं मिल सकता। बच्चों? हाँ बच्चों, इस सूट के साथ अगर नेकलेस भी पहनोगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बच्चों? यूं आंखें फाड़कर बैल जैसी खौफ ना करने जैसी तो कोई बात कही नहीं मैंने। भैया सूट की मैचिंग ज्वेलरी होती है कि नहीं? हाँ होती भी है और नहीं भी होती। वैसे आपको कैसे पता कि इस सूट की मैचिंग ज्वेलरी भी है? सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे मालूम, सवाल ये है कि तुम्हारे पास है कि नहीं। और अगर मैं कहूँ नहीं है तो? तो मैं कहूंगी कि तुम अपनी बच्चों से सफेद झूठ बोल रही हो। भाई इतना खूबसूरत सूट देने वाले का टेस्ट इतना खराब नहीं हो सकता। अच्छा बाबा मान लिया है तो? तो माँ बदौलत देखना पसंद फरमाएंगे। जो हुक्म माँ बदौलत। दिखाओ क्या दिया है अशफाक मियां ने। अल्लाह खूबसूरत है ना? खूबसूरत से कहीं ज्यादा खूबसूरत। कीमती है ना बच्चों? हमारी हैसियत से कहीं ज्यादा कीमती। मतलब? तुम घूमो जरा, घूमो ना उस तरफ, घूमो देखो तो कैसी लग रही हो। देखा माशाल्लाह कैसी लग रही हूँ मैं, खुद ही देख लो। माशाल्लाह किसी आसमान से उतरी हुई परी से कम नहीं लग रही। अल्लाह नजरें बद से बचाए। बच्चू तुम यहाँ ये बताइए कि आपको आपकी गोद ली हुई नई नवेली भतीजी कैसी लगी? माशाल्लाह बहुत अच्छी है, शुरू से ही पसंद थी। हमसे और अशफाक मियाँ से वो दोनों भाई जब निपटेंगे तब निपटेंगे। लेकिन मियाँ आप एक बात का ख्याल रखें, जब भी इस हवेली के बाहर जाएं तो जरा सोच समझ के जाइएगा। अरे मियाँ वो किस खुशी में? जाने अनजाने में आपने उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया है। जी दुश्मन बना लिया? अरे मियां हमने कौन सी उनकी भैंस खोल ली है? भले ही भैंस ना खोल ली हो लेकिन उनके मंसूबों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। जी मियां बस एक बात हमारी समझ के बाहर है।
परसों पहले मरी हुई बहन की बेटी को गोद लिया। आखिर इसका मकसद क्या हुआ? मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं पर ना समझ नहीं। बहन के घर बेटी और अपने यहां बेटा पैदा होने पर शमशीरा का गुरूर मुझे अच्छी तरह याद है। आप ही ने तो इस बच्ची के अकीके पर अपनी तरफ से तोहफा देकर मुझे भेजा था। मिया, जिस बेटे के पैदा होने पर इन्हें इतना गुरूर था, आज वही बेटा गोद ली हुई बेटी के काबिल नजर नहीं आ रहा इन्हें। खुद गर्जी की भी कोई इंतहा होती है। अल्लाह के घर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे? अरे मियां, अल्लाह के घर जाने की उन्हें फिक्र होती है जो अल्लाह से लव लगाते हैं। ये तो दुनिया के कुत्ते हैं मियां, कुत्ते। मियां इन्हें कुत्ता कहकर एक वफादार जानवर की बेइज्जती तो ना करें। जुबेर का खानदान एक ऐसा टोला है जो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अरे मियां, इससे गिरी हुई बात और क्या हो सकती है कि एक यतीम और मिस्कीन बच्ची का सहारा लेकर हमारी इस हवेली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। देखो मियां, उस यतीम लड़की को अपनी घर की बहू बनाने में हमें जरा भी एतराज नहीं। लड़की खूबसूरत है, हमें पसंद है। तकलीफ सिर्फ एक बात की है, वो है जुबेर और शमशीरा। ये लालची, पैसे के पुजारी, इन्होंने इस बच्ची को गोद लिया। अल्लाह बचाए इस बेचारी बच्ची को उन जालिमों से। मियां, एक बात का पता लगाइए, हमारे अशफाक को जो लड़की पसंद आई, कहीं वो लड़की यही तो नहीं? इस बात की शह पाकर जुबेर और शमशीरा ने उसे गोद ले लिया हो? नहीं मियां, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो जुबेर और शमशीरा दंदनाते हुए आपके पास आते और रिश्ते की बात करते। मेरे फरीद के साथ शादी करने की बात को लेकर वो इस तरह गुस्से को ना पी जाते। शायद तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब इस मामले में ज्यादा देर लगाना सही नहीं होगा। मिया, अब जल्द से जल्द ये पता लगाओ, जो लड़की हमारे अशफाक मिया को पसंद आई, आखिर वो कौन है? इंशाल्लाह कल तक सब पता चल जाएगा। पर मिया, एक बात परेशान कर रही है। फरमाइए। मिया, अगर हमारे छोटे मिया की पसंद आपके खानदानी मायार और इस हवेली के रुतबे के बराबरी की हुई, तब तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है। पर मियां, मान लीजिए कि अगर मामला कुछ उल्टा हुआ तब? मतलब ये मियां कि अशफाक मियां की पसंद आपके खानदानी रुतबे और हवेली के रसूख पर पूरी ना उतरी तब? देखिए मियां, अब आप खामखा हमारा ब्लड प्रेशर ना बढ़ाएं तो बेहतर हो। आप सिर्फ ये पता लगाएं, हमारे अशफाक मियां को जो लड़की पसंद आई है, आखिर वो है कौन? जी मियां। जी Thank you.
हीरो का हार, कीमती सूट। तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा है? लाखों का नहीं है तो हजारों का तो है। कीमती तोहफे देने वाले रईसजादे जब अपने तोहफों की वसूली पर आते हैं तो जानती हो क्या क्या खोना पड़ता है तुम जैसे गरीब लड़कियों को? किसने दिया है तुम्हें? अम्मा भी मैं बताती हूँ। सवाल मैंने इससे किया है, जवाब भी यही देगी। किसकी सौगात है ये? वो अम्मा भी अशफाक ने दिया। कौन अशफाक? वो बड़ी हवेली वाला अशफाक बेग। अशरफ बेग का बेटा? तुम्हें पता भी है कितने बड़े लोग हैं वो? उनके बाप दादा इस गांव पर हुकूमत चलाते थे। आसपास के 40 गांव का जमींदाराना था उनका। तुमने ये भी नहीं सोचा तुम्हारे अब्बू के मौत के बाद हजार मुसीबतें उठाकर जिस इज्जत को तुम्हारी अम्मा भी ने संभाल कर रखा, उस इज्जत का क्या होगा? अम्मा भी आपको अल्लाह का वास्ता, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। फिर जो जी में आए बोल लेना, मेरी बात तो सुन लो। अब सुनने और कहने को रह क्या गया है? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं हुआ अम्मा भी। इज्जत पर कोई आंच नहीं आई। इस बेचारी ने तो बस मोहब्बत की है। और अम्मा भी मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती। बात तुम कह रहे हो कायमा, मोहब्बत के अंजाम से तुम खूब वाकिफ हो। तुम्हें सब कुछ पता था और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। बता दी अम्मा भी, जरूर बता दी, मगर उसके पहले आपने खुद जान लिया। अम्मा भी अशफाक बहुत अच्छा लड़का है। वो धोखा नहीं देगा। हाँ, उसकी अच्छाई मेरे सामने जो है। ठीक है अम्मा भी, मैं उसके सारे तोहफे वापस लौटा दूंगी। नहीं, आज के बाद तुम उससे नहीं मिलोगी और ना ही उसका जिक्र होगा इस घर में। मगर अम्मा भी आप बस ये मेरा आखिरी फैसला है जो बदला नहीं जा सकता। रही बात इन तोहफों की, बाद में देखो इसका क्या करना है। बंजू, रोते नहीं सुमैला, रोते नहीं। अम्मा भतीजे, सुबह का सलाम। वो तुम्हारी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वो? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग चाचू, क्या हाल है? कुछ नहीं, बस जाती हुई जवानी को आते हुए बुढ़ापे से बदलने की नाकाम कोशिश कर रहे भतीजे। अरे छोड़िए चाचू, आपकी जवानी कहीं नहीं जाने वाली, अभी तक तो आपकी शादी भी नहीं हुई है। अगर शादी न करने से जवानी बाकी रहा करती तो आधा हिंदुस्तान कुंवारा होता भतीजे। वैसे भी अगर वक्त पे शादी न हो तो इंसान जल्दी बूढ़ा नजर आता है। चाचू आपके वहाँ कौन सी कमी थी? इतना लंबा चौड़ा जमींदारा था, पर आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? ये सवाल तुम अपने अब्बा और हमारे भाई से करोगे तो उसका सही जवाब मिलेगा। अब्बू और चाचू से तो छोड़िए आप, हाँ नूर चाचा से जरूर पूछा था। वो कहने लगे शाकिर मियाँ का कहना है कि अगर दूध बाजार में मिलता हो तो भला कोई बेवकूफ भैंस क्यों पाले। वो बूढ़ा नूर सटिया गया है, उससे खुद से पूछते उसने क्यों नहीं शादी की अब तक, क्यों कुंवारा बैठा है? मिलने दी यार, पूछ लेंगे। उस नामा कुल को तुम सुनाओ,
तुम कब खिला रहे हो बिरयानी? अभी चलिए चाचू, अभी खिलवाते हैं आपको बिरयानी। ऐसे थोड़ी बिरयानी खाएंगे, लेकिन तब जब तुम्हारा वलीमा होगा। खैर अब छोड़ो, तुम हमारे साथ चलो। हाँ चाचू। हम आप भतीजे भूल गए पिछवाड़े में हमारा घर है। जब से तुम गांव में आए हो हमारे घर कहाँ आए? चलो मियाँ, तुम्हें किससे मिलवाता हूँ। ये बात है, चलिए चाचू। आओ। अरे चाचू थक जाएंगे। जी चाचा, मैंने आप शाकिर छोटे मियाँ को अपने साथ अपने घर ले गए। आओ मियाँ आओ। अम्मा जुबैर भाई, भाभी देखो तो कौन आया है। क्या हुआ शाकिर, क्यों चिल्ला रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शमशीरा जरा मुझे चुटकी तो काटना, देखूं तो सही कि मैं जाग रहा हूं या कोई ख्वाब देख रहा हूं। अजी ये सरासर हकीकत है, देखिए ये आपका अपना बच्चा, आपका खून, आपका भतीजा बरसों बाद अपने चचा के घर आया है। वाह, जीते रहो बेटा। फरीद मियां बाहर जाओ और जो पहला फकीर मिले उसे ये दे दो, और उस बाबा से कहो कि जिसकी जान का ये सदका है अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। खुश रहो बेटा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं चाचा। नहीं भतीजे, बरसों के बाद तुम हमारे घर आए हो, बस इसी बात की खुशी है हमें। शाकिर मियां कहाँ मिल गए आपको हमारे शहजादे? मैं सुबह टहलने गया था, वहीं पे मिल गए, मैं ले आया उन्हें। अशफाक मियां पहचानो तो कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिएगा चाची, मैंने पहचाना नहीं। मियां पहचानोगे कैसे, इतने सालों के बाद जो देख रहे हो उसे। तुम्हारी चची की बहन की बेटी नसरीन, इसे हमने गोद ले लिया है। तुम्हारी बचपन की साथी है ये। माफ करना भतीजे, मैं जरा नहा के आता हूं। है मैं जरा चाय नाश्ता ले आती हूँ। अरे मुझे भी एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आया बेटा। अरे चचा सुनिए, अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठी पहले आप तो बैठिए। लीजिए साहब, बैठ गए, अब आप भी बैठिए। कहीं आप मेरी वजह से तो नहीं घबरा रहे? मैं आपकी वजह से घबरा रहा हूँ। क्यों? यही कि आप कभी खालू को पुकार रहे हैं, मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, ये घबराहट नहीं तो और क्या है? मैं आपकी वजह से क्यों घबराऊंगा? इसलिए कि आपकी और हमारी शादी होने वाली है। क्या कहा आपने? मैंने ठीक से सुना नहीं। यही कि आपकी और मेरी शादी होने वाली है। अगर मैं तो आपको जानता भी नहीं और मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो मेरी शादी कैसे हो सकती है? जानते तो मैं भी आपको नहीं, और देखा भी पहली बार है। मगर खालू कहते हैं हम दोनों बचपन के साथी। क्या नाम बताया था आपने अपना? जी हमने तो अपना नाम ही नहीं बताया। हाँ खालू ने जरूर बताया था। चलिए छोड़िए, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। आप चाहें तो हमें अपना नाम खुद बता दें, और ना चाहें तो हमें अपना वो नाम बता दें जो आपके खालू ने यानी हमारे चचा ने हमको बताया।
ये तो आप हमें बुद्धू बना रहे हैं। चाहे हम खालू का बताया हुआ नाम बताएं या खुद से बताएं, नाम तो नसरीन ही रहेगा ना। अच्छा, आप समझदार भी हैं। बातें आप बहुत अच्छी करती हैं। मगर हमारी चाची कहती थी हमारे में कुछ भी अच्छा नहीं, ना हमारी बातें और ना हम। चाची भाई, चाची तो वो हमारी, आपकी तो खाला है वो। ये नहीं, वो चाची जहाँ हम बचपन से दो दिन पहले तक रहते थे। आपके माँ बाप? वो तो बचपन में ही गुजर गए। सॉरी, आई एम सॉरी। हमने तो उन्हें देखा तक नहीं, उनकी शक्ल भी याद नहीं। वैसे मैं क्या जान सकता हूँ कि उनका इंतकाल कैसे हुआ था? कोई नेचुरल डेथ थी या हादसा? जी, हमें तो याद नहीं। चचा चची बताते हैं गांव में बिजली गिरी थी उन दोनों पर, एक ही पल में खाक हो गए। और आप कहाँ थी उस वक्त? हम तो हमारी माँ की गोद में थे, ये भी चचा चची बताते हैं हमें। और आप बच गई, अल्लाह की कुदरत है। हम तो बच गए, तकदीर की ठोकरें जो खानी थी हमने। उस दिन बिजली तो तीनों पर ही गिरी थी, बिजली ने उन दोनों के जिस्म को राख कर दिया और हमारी तकदीर को भी। खैर छोड़िए, क्या करेंगे जानकर, बहुत दुख भरी दास्तान है हमारी। आप सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ये नसीबों जली जब से इस घर में आई है, हर वक्त नहुसतारी रहती है। न जाने अल्लाह हम पर कब रहम करेगा और ये करम जली इस घर से जाएगी। मियां, पिछले मोहल्ले वाली गजाला बीबी आई है आपसे मिलने। गजाला बीबी मुझसे मिलने? बुलाओ। वो मेरे साथ ही आई है मियां। सलाम अलैकुम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जाओ, थोड़ा नाश्ता पानी ले आओ। तकलीफ की जरूरत नहीं। अरे बीबी, इसमें तकल्लुफ की क्या बात हुई? अगर तकल्लुफ करता तो बच्ची से कहता कि चाय के साथ साथ मिठाई लेकर आए। सुबह का वक्त है, मैं चाय पी। आप मेरे साथ एक प्याली चाय पी लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जाओ बेटा, ले आ। के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम? कहाँ? शादी के पहले आता है सीजन शादी.com का, आज ही डाउनलोड कीजिए। Cut it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आप